तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे देखते हैं? मैंने आपको बताया था दो प्लेन मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर एंगल है, आप सामने खड़े हो जाएंगे तो मल्टीपल इमेजेस नजर आती हैं आपको, जैसे ड्रेसिंग रूम के अंदर मल्टीपल इमेजेस हैं जब दो मिरर्स लगे होते हैं। तो कैसे काउंट करते हैं कितनी इमेजेस फॉर्मुलेट होंगी? इसका पहला फॉर्मूला, आपका जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं वो एम माइनस वन है, वन के इक्वल होगी, वेयर एम क्या है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, वेयर थीटा है एंगल बिटवीन टू मिरर्स। तो दो मिरर्स में अगर एंगल थीटा जैसे 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 पुट करो, 360 बाई 60 कितना है 6, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी, 6 माइनस 1 5। लेकिन ऐसा रूल तब लगेगा जब इसे डिवाइड करके एम क्या आएगा, इवन इंटीजर। लेकिन अगर इसे डिवाइड करके ऑड इंटीजर आया और ऑब्जेक्ट आपका बाइसेक्टर पे नहीं है, तो फिर नंबर ऑफ इमेजेस एम ही होंगी। लेकिन अगर आपका ऑड इंटीजर आया और ऑब्जेक्ट आपका बाइसेक्टर ऑफ मिरर पे है, फिर आंसर विल रिमेन सेम, एम माइनस वन। और ऐसे ही अगर ये फ्रैक्शन आता है, तो जैसे 5.1, तो नंबर ऑफ इमेजेस 5 काउंट होगा, इंटेग्रल पार्ट काउंट होगा, फ्रैक्शन को छोड़ देंगे, डेसिमल को छोड़ देंगे। तो ये रूल्स आपको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस अगर आपके मिरर्स के बीच में कुछ एंगल गिवन है। इसको मार्क कर लें, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा।